Good morning, students. 11th class physics, lesson 4, motion in a plane. Yesterday we discussed about numerical based on vector cross product. अब से पहले हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस चैप्टर के दो पार्ट थे. फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसका मोशन इन ए प्लेन. फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, सिर्फ वेक्टर का कॉन्सेप्ट. और वेक्टर की अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है दो वेक्टर के, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे. अगर दो वेक्टर गिवन है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे. अब तक हमारा सिर्फ वेक्टर का कॉन्सेप्ट था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन ऑफ पोजिशन वैक्टर. क्या पढ़ेंगे, पोजिशन वैक्टर हम पढ़ चुके क्या था, ये जो ओ से पी तक जो रिजल्टेंट बन रहा था ये क्या था, अपना पोजिशन वैक्टर ओ पी. आज हम पढ़ेंगे पोजिशन वैक्टर का एक्सप्रेशन. तो ओ पी क्या है, ओपी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट देखो. पी पॉइंट, पी पॉइंट क्या आया, एक्स और वाई. अब ये एक्स वाई है तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या आएगा, ये देखो एक्स वाई मैथ में करते थे ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे लेके जो था टेंथ में जो चैप्टर था. तो ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई. ठीक है, ये वाला एक्स है ये है वाई. अगर मैं इस एक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना तो क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, और वाई को क्या लिखोगे, वाई जे कैप. ठीक है, अगर एक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्स आई कैप, और वाई को क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, वाई जे कैप. अब हमें क्या निकालना है, लगाओ यहाँ पे ट्रायंगल लो. कौन सा लो लगाएंगे हम, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो लगाओ, इसको नाम दे दो ए. ठीक है, तो ओ पी वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा ट्रायंगल में, ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर. ट्रायंगल लो लगा दिया मैंने, ओ पी वैक्टर पोजिशन वैक्टर ही निकालना है, ओ पी वैक्टर किसके इक्वल आएगा, ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर. और ओ से पी तक ये कितना मान लिया मैंने, आर वैक्टर. क्या है ये, आर वैक्टर. ठीक है, तो ओ पी वैक्टर यहाँ पे लिखोगे क्या है, आर वैक्टर रिजल्टेंट. OA क्या अपना एक्स आई कैप प्लस ए पी. अब ये वाई जे कैप है तो ये भी कितना आएगा, वाई जे कैप. कितना है, वाई जे कैप. ये क्या निकल गया हमारा, पोजिशन वेक्टर. ठीक है, क्या निकला हमारा ये, पोजिशन वेक्टर. नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या करेंगे, अब हमारे पास वही पॉइंट दे दिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. अब डिस्प्लेसमेंट यानी एक पार्टिकल ओ से पी पे गया, ओ से पी तक गया ये, फिर आगे इसने डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट स्टार्ट किया पी से लेके क्यू तक. ठीक है, पी से लेके क्यू तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक हुई ना इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट पूरा क्या हुआ इसके अंदर, ओ क्यू. रिजल्टेंट पूरा क्या हुआ इसके अंदर, ओ क्यू. और फिर पॉइंट क्या हुए, ओ पी प्लस पी क्यू. समझ आया, तो डिस्प्ले यहाँ पे भी लगाओ, कौन सा लो लगाएंगे यहाँ पे भी, ट्रायंगल लो. कौन सा लो लगाएंगे, ट्रायंगल लो. ट्रायंगल लो लगाओ तो ओ क्यू, ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ओ क्यू क्या है अपना देखो. अब ओ से पी तक ये एक्स कॉम्पोनेंट है, इसका वाई है, इसका कितना है एक्स डैश और इसका वाई डैश है. ठीक है, तो अब निकालो तुम यहाँ पे क्या निकालोगे, अब निकालो यहाँ पे पी क्यू वेक्टर, ये साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, इस साइड क्या बच गया अपना, पी क्यू वेक्टर. ठीक है, पी से लेके क्यू तक क्या हुई इसकी, डिस्प्लेसमेंट हुई है. ठीक है, पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे आगे तक इसकी कितनी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई है. ठीक है, तो ओ आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर ओ क्यू कितना है, आर डैश, ओ पी कितना है, आर वेक्टर, और पी क्यू कितना है, डेल्टा आर वेक्टर. ठीक है, पी क्यू कितना हुआ, डेल्टा आर, ओ पी आर डैश, ओ पी को ओ पी ओ क्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, मान लो आर डैश हुई है. ठीक है, ओ से पी तक कितनी हुई है, आर, और ये पूरा क्या हुआ, रिजल्ट है. अब देखो ये क्या आपने, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल. तो ये कौन सी पोजीशन आई अपनी, फाइनल, और ये कौन सी आई है, माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल ये क्या आएगा अपना, रिजल्टेंट
आर वेक्टर। अब इसको लिखो एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे एक्स के फॉर्म में, तो लिख दो ये एक्स वाई का कंपोनेंट है, पी क्यू ऐसे पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, ये हुई है इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको लिखो तो कैसे लिखोगे एक्स आई कैप के फॉर्म में, यानी डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल है अपना आर वेक्टर का डैश माइनस आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर एज इट इज, आर डैश को लिखो क्या लिखोगे एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, फिर आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर आर पी वाला, फिर इसके लिखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब हमने क्या लिखा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई आई वालों को कॉमन लिया कंबाइन क्या आई कैप बाहर लिया तो क्या आएगा एक्स डैश माइनस एक्स, फिर प्लस जे कॉमन लिया तो क्या आएगा वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर आई एक्स डैश माइनस एक्स यानी फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे ये फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा आर के इक्वल है ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल किसके इक्वल आएगी डेल्टा एक्स के, ऐसे वाई में फाइनल माइनस इनिशियल किसके इक्वल आएगी डेल्टा वाई की। तो यहाँ पे देखो डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ओके। नेक्स्ट टॉपिक